रामगढ़ के कोल्ही केजिया घाटी की सड़क पर बहने लगा पेट्रोल और डीजल, मची अफरा तफरी। आइए जानते हैं पूरा मामला। रामगढ़ जिला अंतर्गत बोला चारू पथ के कोल्ही केजिया घाटी में मुर्गी दाना लदा ट्रक पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में ट्रक चालक केबिन में फंस गया। घटना की सूचना मिलने के उपरांत रजरप्पा पुलिस पहुंची और चालक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल चालक को नहीं निकाला जा सका। इसके बाद पीसीआर वैन गैस कटर लाने जा रहा था, इसी बीच एक दूसरे टैंकर ने अनियंत्रित होकर पीसीआर वैन को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे टैंकर पीसीआर वैन के ऊपर ही पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और टैंकर से पेट्रोल डीजल सड़क पर बहने लगा। गनीमत रही कि यहां आग नहीं लगी। घटना के उपरांत यहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी सी मच गई। हालांकि पीसीआर वैन में बैठे अवर निरीक्षक अमर शुक्ला सहित कई पुलिसकर्मी व चालक शंकर बाल बाल बच गए। पीसीआर वैन के पिछले हिस्से में टैंकर पलटने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। उधर पुलिस, कांग्रेस नेता सुधीर मंगलेश और स्थानीय ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद केबिन में फंसे चालक चरही निवासी निरंजन करमाली को 4 घंटे के बाद बाहर निकाला जा सका। इसे गंभीर चोटें आई हैं। इसका एक पैर भी टूट गया है। इसका प्राथमिक इलाज गोला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करने के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि मुर्गी दाना लदे ट्रक का ब्रेक फेल होने के कारण घटना हुई। इस घटना के बाद इस मार्ग में कई घंटे यातायात बाधित रहा। लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रहा, जिस कारण गोला के डीवीसी चौक में ही वाहन को रोककर रामगढ़ होते हुए भेजा गया। उधर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।